पापा बैठे प्लीज। मम्मी मम्मी आप बैठे प्लीज बैठे। राइमा राइमा पानी लेकर आओ। पापा ये पानी पीजिए। पापा प्लीज पीजिए। मेरा तो जी चाह रहा है पुलिस को फोन करूं कि मुझे भी उसके साथ ले जाए। मैंने तो अपनी तरबियत में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं की। पता नहीं किस तरह मेरी औलाद ऐसी बेजमी निकली। हमी प्लीज, अब जो कुछ हो गया उसका अजाला तो करना होगा ना। क्या अजाला करोगे, क्या कफारा अदा करोगे? उस टैबलेट खाने से अगर एक इंसान की भी जान चली गई तो वो। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ शिराज ने क्यों किया है। और टिटाई देखो कि इकरार करके भी इनकार कर रहा है। मगर पापा ऐसा भी तो हो सकता है कि ये किसी और ने किया हो। फैक्ट्री में और भी इतने सारे लोग हैं, वो जिम्मेदार हो सकते हैं। मैनेजर, फ्लोर इंचार्ज, क्वालिटी कंट्रोलर, कोई भी हो सकता है। नहीं, शिराज के होते हुए ऐसा घिनौना काम कोई नहीं कर सकता। वहां अब होगा क्या? हमारी इज्जत का तो जनाजा निकल गया ना। आप परेशान ना हो, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। पागल हो गए हो? खाप खाप धर लिए जाओगे तुम बेगुनाह। आसिम प्लीज, मेरे होते हुए मेरा भाई अरेस्ट हो जाए, पापा पेशियां भुगते, ये मैं होने नहीं दूंगा। नहीं नहीं आसिम, तुम नहीं जाओगे। फयाज इसे कहीं नहीं जाएगा, तुम्हें मेरी कसम है आसिम, तुम नहीं जाना। मम्मा प्लीज खुद को संभालें, सबर करना होगा, ये एक मुश्किल वक्त आ गया हम पे और हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है। ठीक है, तो मेरे साथ उसको भी लेके जाओ जो गुनहगार है, जिसे बेईमानी की है, बेईमान कहीं का। अम्मी प्लीज, अपना जमीर बेचा है जिसने। पापा, वकील साहब ने कबल इस गिरफ्तारी जमानत से इनकार कर दिया क्योंकि कार्रवाई कानून नाफिज करने वाले इदारों ने की है। आप प्लीज कल सुबह वकील साहब को कोर्ट भेज दीजिएगा। आसिम, हिम्मत से काम लो रहेगा, मेरे बाद पापा या अम्मी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलता हूं। मेरा बच्चा। अरे अम्मी, जीते हो। आसिम मेरी बात सुने। हाँ बोलो, क्या बात है? आसिम ये कहाँ का इंसाफ है, करे कोई और भरे कोई। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बेगुनाह हैं। जो किया है वो शिराज भाई ने किया है। भाई का गुनाह अपने सर लेना गुनाह तो नहीं है ना? ताकि बेकसूर को सजा मिले और मुजरिम खुला घूमता रहे। तुम शिराज को क्यों फंसवाना चाहती हो? क्योंकि शेराज भाई मुजरिम है। और सजा मेरे पापा को मिले? तो पापा तो शेराज भाई के भी पापा है ना, उनको क्यों फिक्र नहीं है पापा की इज्जत की? शेराज अगर खामोश है तो क्या मैं भी खामोश बैठा रहूं? कब तक आसिम,
कब तक आप ये कुर्बानियां देते रहेंगे? तुम मुझे अपने से मुतनफर क्यों करना चाह रही हो? रहमा, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। मैं आपको अपनों से बदगुमान नहीं करना चाहती, लेकिन सब कुछ किया शिराज भाई ने और सारा इल्जाम डाल दिया आपके सर, और आप हैं कि इस आग में कूदने के लिए तैयार हो गए। इसलिए कि आग मेरे घर की दहलीज तक पहुंच गई है। अगर ये घर जला तो मेरे अपने भी जल जाएंगे, और ये मैं उन्हें नहीं दूंगा। आसिम रुके, आसिम मेरी बात तो सुने। आसिम का मुकद्दर अब जेल की सलाखें हैं। अच्छा हुआ जो मेरे रास्ते का पत्थर खुद ही साफ हो गया। अरे अम्मी, आप तो मामा के पास जाएं, वरना समझेंगे कि हम कोई साजिश कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ और थाने में हूँ। मेरी फिक्र ना करना, अम्मी पापा का ख्याल रखना। हाँ, लेकिन आसिम आप कब आएंगे? मैं तुम्हें कब से खबरदार कर रही थी कि तुम्हारे पापा जो हैं वो सिर्फ तुम्हारे ही बाप नहीं बल्कि वो आसिम के बाप हैं, क्योंकि आसिम उनकी दूसरी बीवी का बेटा है। अपनी पहली बीवी से मोहब्बत का हक अदा कर रहे हैं पापा। और तुम्हारी अम्मी, वो तो शुरू से इंतहा की बेवकूफ है, उल्टा वो तुम्हें ही मुजरिम समझती है। वो समझती है कि तुम ही कसूरवार हो। मैं तो साफ साफ कह दूंगा, मैंने जो कुछ भी किया आसिम भाई के हुक्म से किया। मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं तो मासूम हूँ। और फिर उसके बाद क्या होगा? पापा तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। अकलमंदी का तकाजा ये है कि तुम मामा को एतमाद में लो। जब तक मामा और पापा में फूट नहीं डल जाती ना, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। और ऊपर से आसिम की बीवी, अरे हर चीज का इल्जाम तुम्हारे सर थोप देती है, और तुम्हारे माँ बाप जो है कैसे उसकी हाँ में हाँ मिला देते। अरे रायमा तो रायमा, आयमा रायमा से बढ़ के चला के, तुम देखना एक दिन अली भी तुम्हारे सामने सीना तान के खड़ा होगा। और जितनी जल्दी हो सके ना, आसिम और रायमा की छुट्टी करवाओ और अपने माँ बाप को बेटा अपने काबू में करो, वरना रायमा के माँ बनने के बाद ना उसके कदम इस घर में और मजबूत हो जाएंगे। और तो और, वो तो अली की शादी भी अपनी छोटी बहन के साथ करवाना चाहती है। जब दोनों बहनें मिल जाएंगी ना, तो तुम दोनों को निकाल के घर से बाहर करेंगे। और मेरी बीना बेचारी मासूम के जाए, वो तो पहले ही इतनी मासूम है। ठीक कह रही हो, आसिम का मुकद्दर अब जेल की सलाखें हैं। अच्छा हुआ जो मेरे रास्ते का पत्थर खुद ही साफ हो गया। अरे अम्मी, आप तो मामा के पास जाएं, वरना समझेंगे कि हम कोई साजिश कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ, जा रही हूँ जा रही हूँ, पहले शिराज को तो समझा लेने दो। चाय पीती रहेंगी या जाएंगी भी आप? कितना वक्त हो गया है, अब तक नहीं आया। ऐसी होती जवान औलाद है, लोफर कहीं का। लो, आ गया वो लोफर, अपने दोस्तों से छुट्टी मिल गई इसे। फैसल रुको, कहाँ रह गए थे तुम? ये वक्त है घर आने का। मेरा दिमाग खराब मत करें, सोने जा रहा हूँ मैं। इधर रुको, पैसे कहीं, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए जो तुम मुझसे जबरदस्ती लेके गए थे। What? अब आप मुझसे पैसे भी मांगेंगी? जी, मेरे पैसे हैं तो मैं मांगूंगी, दो मेरे पैसे वापस। उड़ाया होगा अपने लफंगे दोस्तों में। हाँ, क्योंकि मेरा पैसा था, जहाँ चाहे उड़ाऊ, आप कौन होते पूछने वाले? बकवास बंद करो वरना दूंगी एक उल्टे हाथ का। तमीज है तुम्हें बात करने की? अपने बाप से इस तरह बात करो? शरीफों की औलाद के ऐसे लक्षण नहीं होते।
शरीफों की औलाद है। मैं शुरबा नहीं हूं, आवारा हूं, लफंगा हूं मैं। हट जाए। फैसल, फैसल रुको। ठहरो। अभी ये अपने होश में नहीं है और शायद कभी भी होश में ना आ पाए। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में अपनी ही औलाद के हाथों इस कदर रुसवाई मिलेगी। अम्मी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सब सही कर देगा। अब वो वक्त नहीं है, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। अरे वो वक्त और होते थे जब कुछ दे दिलाकर कत्ल करने वाला भी फांसी के फंदे से उतर आता था। कहाँ है तुम्हारे पापा? अम्मी वो लॉयर आए, उसके साथ है। अच्छा खैर छोड़े इस बात को, अम्मी आप सोने की कोशिश तो करें। कैसे सो जाऊं रायमा, पता नहीं रात को किस पहर पुलिस आके छापा मार दे हमारे घर पे। अम्मी अल्लाह ना करे कैसी बातें कर रही हैं। आसिम गए हैं ना? बस मुझे अपने बच्चे आसिम की फिक्र है। देखो हमेशा हर मुसीबत में ढाल बन के खड़ा हो जाते हैं और एक शिराज हमेशा मेरे खिलाफ जहर उगल रहा होता है। जानती हूँ मैं, शिराज ने इस बीना की वजह से ही मिलावट की होगी। अम्मी छोड़े इन बातों को। क्यों छोड़ू, उसे भी तो यहाँ होना चाहिए जिस अजाब में हम हैं। बैठी होगी अपने मियाँ के कान भर रही होगी। अम्मी बीवियाँ तो शौहरों की हिमायत करती हैं। आप छोड़ें उनको, आप आराम करें। आय अल्लाह शकीला, मेरी प्यारी बहनों। अरे अट्टा बहन के पास बैठे थे, मैं मर क्यों ना गई? ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या हो गया मेरी बहन? क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप मेरे ही बेटों को मेरे खिलाफ उकसा रही थी, भाइयों के दिलों में फर्क डाल रही थी, और अब आपको मुझसे हमदर्दी हो गई। हमदर्दी? अरे हाँ क्यों नहीं होगी हमदर्दी भला। अरे तुम मेरी बहन हो, वो भी मेरी छोटी बहन। प्यार करती हूँ मैं तुमसे, मैं तुम्हें समझती हूँ, जानती हूँ कि तुम ममता के किस कर्ब से गुजर रही हो। लेकिन मेरी गुड़िया उस शिराज के बारे में भी कुछ सोच लो। अरे वो बेचारा तो रो रो के अपना सर जो है दीवारों में मार रहा है, कह रहा है कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत क्यों नहीं कर सका, मैं उनकी मुसीबत में क्यों नहीं पहुंच सका। माफ करना आपा, जो औलाद माँ बाप को गम देती है ना, वो दुख बांटने कभी नहीं आती। और शिराज ने रुसवाई के जिस गड्ढे में हमें फेंक दिया ना, वहाँ से कभी नहीं निकल सकते। अरे शकीला इस तरह बदगुमान नहीं हुआ करते अपनी औलाद से। एक बार जाके तुम शिराज की हालत तो देख लो। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, फिकर है तो बस अपने बच्चे आसिम की। एक बार फिर से कुर्बानियां देने के लिए खड़ा होगी। आसिम साहब आपने अकलमंदी करी कि आप खुद ही चले आए, वरना आज रात हम किसी भी वक्त आपके घर पर रेड मारते, उसके ऑर्डर थे हमारे पास। सर अभी कुछ देर पहले ही मुझे खबर मिली थी कि फैक्ट्री से निकले दो ट्रक हमारे पकड़े गए हैं, इसीलिए मैंने अपना फर्ज समझा कि मैं खुद चला हूँ आपके पास और आपको यकीन दिला सकूँ कि पिछले 30 साल से हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं आई। ये जो भी कुछ हुआ है ये क्वालिटी कंट्रोलर की नाअहली की वजह से हुआ है। ये यकीन आप हमें ना दिलवाएं, बल्कि आप बयान लिखवाएं। ये फैक्ट्री किसके जेर इंतजाम थी? पहले पापा फैक्ट्री संभाला करते थे, लेकिन पिछले 10 साल से मैं ही बिजनेस देख रहा हूँ। कोई पार्टनर? नहीं, मैं ही ओनर हूँ, हमारा कोई पार्टनर नहीं है। यानी आप ये कबूल कर रहे हैं सफेद और सियाह के मालिक आप? जी। ठीक है, ये दो ट्रक आपकी गफलत का नतीजा है, ये आप अदालत में साबित करेंगे और इस पर साइन करें। मैं आप जा सकता हूँ? नहीं,
इसलिए कि आपकी गिरफ्तारी के ऑर्डर निकल चुके हैं। इसका फैसला अदालत करेगी कि आपकी जमानत हो सकती है या नहीं। अभी आप अपने आप को गिरफ्तार समझें। जी अब मैं अपनी फैमिली को कॉल करके इतला कर दूं। जी बिल्कुल दे सकते हैं। सोई नहीं आप अभी तक? तुमने पापा को दवाई दी? हाँ, और आंटी को भी दे दी, थोड़ा सुकून उनको भी मिलेगा। वैसे अभी अब क्या होगा मुझे तो खुद नहीं पता। अब क्या होगा मुझे बस आसिम की फिक्र है। सिर्फ आसिम भाई की फिक्र? बस आसिम की फिक्र होनी चाहिए ना। और हेलो आसिम, आप कैसे हैं? आप कहाँ पर हैं आसिम? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ और थाने में हूँ। मेरी फिक्र ना करना, अम्मी पापा का ख्याल रखना। हाँ लेकिन आसिम आप कब आएंगे? देखो मुझे कुछ नहीं पता अभी, तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम वहाँ अम्मी पापा का ख्याल रखना बहुत। ओके अल्लाह हाफिज। हेलो आसिम, आसिम आप ही क्या हुआ? आसिम भाई क्या कह रहे हैं, कब तक आएंगे? बहुत शौक है आसिम को दूसरों की आग में जलने का। जिन्होंने ये सब किया वो सुकून से सो रहे हैं और आसिम वो अब तक पुलिस स्टेशन में है। क्या हो गया आपको? आप ही मुझे क्या होना है? आसिम को ना अपनी फिक्र है ना मेरी फिक्र है। तो ये भी तो उनकी फैमिली ही है ना। ऐसी होती है फैमिली, जब दिल करता है सगा कह देते हैं, जब दिल करता है सौतेला कह देते हैं। ये सब बेवकूफ बना रहे हैं आसिम को। तुम देखना एक दिन ये सब लोग सुकून से रहेंगे, अय्याशी करते रहेंगे, और मैं और आसिम और हमारे बच्चे किसी चौराहे पे ठेला लगा के खड़े होंगे। आप ही बस करते हैं, किसी ने सुन लिया तो बुरी बात हो जाएगी। तुम जाके सो जाओ। आप ही बोलो आज मैं आपके साथ सो जाऊं? बस परेशान ना। चले आज सोते हैं। हाय चले भाई अभी नाश्ता करें। अरे ये क्या नाश्ता करो, रखो चाय मैं नहीं पीती। ये क्या किया तुमने? रात के शामी कबाब क्या खत्म हो गए? जो ये ब्रेड, ये मक्खन, ये चाय उठा के ले आई खाली खोली मेरे लिए? अरे भाई कबाब फ्राई करने में टाइम लगता है, ऊपर से खुशबू भी बाहर चली जाती है। शिराज आप नाश्ता कर ले। अच्छा ये बताओ कि आसिम का कुछ पता चला? नहीं बाहर तो गाड़ी भी नहीं खड़ी अम्मी, मुझे लगता है पुलिस वालों ने धर लिया है। उफ चलो शुक्र है खुदा का, शुक्र है कि रात को पुलिस की रेड नहीं हुई। देखो भाई शहराज मियां तुम्हें कोई जरूरत नहीं पुलिस के सामने जाने की। मेरा बेटा पेट भर के नाश्ता करो और आराम से बीमारी का बहाना बना के ना यहीं लेट जाओ। हाँ तुम बेड पे लेट जाना, और कोई भी पूछेगा तो मैं कहूँगी शदीद जहनी दबाव की वजह से बहुत तेज बुखार है। अरे बेटा घर में बिल्कुल खामोशी है, खैर तो है? अरे कहाँ अम्मी, कहाँ सन्नाटा है। वो दोनों बहनें सुबह से मामा पापा के रूम के चक्कर लगा रही हैं। यही तो सारे काम तुम्हें नहीं आते, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अम्मी हमेशा मुझसे ही नाराज रहती है। हाँ भाई नहीं होता हमसे, ना मुझ में मक्कारी है और ना ही मुझे मुनाफ़त करनी आती। अरे चुप भी हो जाओ, आपस में लड़ना शुरू कर दिया। लो बेटा ये नाश्ता कर। माँ सबके जाओ शाबाश।
ना शिराज और ना ही बीना कोई भी मुझसे पूछने नहीं आया, हालांकि उनकी वजह से आसिम कुर्बानी दे रहा है। वो क्यों आएंगे और किस मुंह से आएंगे? मेरे पैसे अली के काम आ जाएंगे तो बुरा क्या है? मैंने तुम्हें अभी कहा कि उन पैसों का जिक्र भी मत करना। और इन लोगों के पास बहुत कुछ है, बहुत प्रॉपर्टी, गाड़ियां, बहुत चीजें। हमारे 10-15 लाख से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रायमा बेटा, अब मैं बेहतर हूं, मुझे मेरे सहारे पे चलने दो। पापा, रात में आसिम का फोन आया था। क्या, कहाँ है वो? खैरियत से तो है ना? नहीं अम्मी, आसिम को अरेस्ट कर लिया गया है। क्या क्या कह रही हैं? बस करो शकीला, ये सब कुछ तो होना था। बेकसूर है मेरा बेटा, और उन दोनों को देखे, ना शिराज और ना ही बीना कोई भी मुझसे पूछने नहीं आया, हालांकि उनकी वजह से आसिम कुर्बानी दे रहा है। वो क्यों आएंगे और किस मुंह से आएंगे? मेरी चेकबुक कहाँ है? कपड़ों वाली अलमारी में होगी, सेफ में। ठीक, आइए नाश्ता करें। नहीं बच्चे, मेरा जी नहीं चाह रहा। ऐसे कैसे चलेगा, नाश्ता तो करना पड़ेगा आपको, खाली पेट नहीं रहे। रायमा जी, बेटा अली को कुछ नहीं पता होगा इसलिए वो रात को देर से आया होगा। आयमा तुम जाके देखो अली क्या कर रहे हैं, अगर सो रहा हो तो सोने देना, तुम जाओ मैं नाश्ता देखती हूँ। जी। और अम्मी आपको नाश्ता जरूर करना है, ठीक है? शकीला बस करो प्लीज। हौसला रखो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। फैसल, फैसल, इंशाल्लाह हर चीज बीच में फेंक देता है, तमीज है ही नहीं से। बदबू है इसकी कमीज में, जरा तमीज नहीं है लड़के में, खुद सो रहा है और टीवी चला हुआ है। ये सिगरेट पी है इसने? कितनी बू है इनमें। फैसल ने, फैसल उठो, तुम्हारा टेस्ट है, कॉलेज जाना है। क्या मुसीबत है मामा, ये कौन सा तरीका है जगाने का? बहुत देर हो गई है, चलो देर हो जाएगी, टेस्ट रह जाएगा, उठो जाओ। चुप हो जाए, बस सोने दे मुझे। फैसल फैसल खुदा के वास्ते उठ जाओ, कुछ तो अपने करियर के बारे में फिक्र करो। उठते हो कि तुम्हारी डैडी से शिकायत करो? चुप हो जाए मम्मा, सोने दे। खबरदार बदतमीजी मत करना मुझसे, और चीखने की जरूरत नहीं है, उठो। ये तुम्हारी आंखें क्यों इतनी लाल हो रही, क्या किया है तुमने बताओ मुझे? शराब पी है बस,
जाए जाके नाश्ता लगवाए। दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है, इसको तो ठीक करना पड़ेगा। पैसल नहीं आया? आ रहा है वो। उसने फिर बदतमीजी की है ना तुमसे? मेरी किस्मत में तो शायद सबकी बदतमीजी बर्दाश्त करना लिखा हुआ है। समझ भी नहीं आता कि इस लड़के का बनेगा क्या। शादी कर दें उसकी। वेरी गुड, शादी कर दें, किसी और की बेटी का भी नसीब ढो दें। जो जिम्मेदारी हम नहीं उठा सके वो किसी और के कांधों पर डाल दें। कमाल, आप बात क्यों नहीं समझते हैं? माँ बाप से तो औलाद नखरे करती रहती है, लेकिन बीवी की बात और होती है। और बीवी तो ऐसे शोहरों को दिन में तारे दिखा देती है। हाँ, दिन में तारे तो खैर हर बीवी ही दिखा देती है। अच्छा तुम ये बताओ कि जब हमारी शादी हुई तो मैं था तुम्हारे बेटे की तरह? तौबा है कमाल, आप भी किस जमाने की बातें लेके बैठ गए। और आप हर वक्त ये क्यों कहते कि तुम्हारा बेटा है, तुम ही देखो उसे। आपका बेटा नहीं है क्या वो? क्यों, जब मैं उसे टोकता था तो तुम कहती थी कि कुछ ना कहें इसे, तो अब मेरे साथ क्यों शेयर करती हो? प्लीज कमाल, ये मसले का हल नहीं है। और हर माँ अपनी औलाद के लिए ऐसा ही करती है। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? अच्छा तुम्हारा क्या ख्याल है कि बीवी उसे सुधार देगी? उम्मीद तो यही है मुझे, अगर लड़की सब्र वाली और समझदार हुई तो। और अगर सब्र वाली ना हुई तो? तौबा है कमाल, आपसे तो बात करना मुश्किल है। ये क्या अगर मगर की रट लगानी शुरू कर दी आपने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जाने, आपका बेटा जाने, दिमाग खराब करके रख दिया है। बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे। ऐसा तो कर लो। ओफो आयमा, छोड़ दो ये, तुम कोफ्त हो रही है तुम्हें देख देख के। ये जो मासियों वाले काम तुम कर रही हो ना। अम्मी, घर के काम करने से कोई मासी थोड़ी बन जाता है। मैंने ही सखावत को मना किया है काम करने से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है? तुम घर पर बैठो तो कुछ पता चले ना। खैर ये बताओ, रात को कब लौटे थे? I'm sorry, अम्मी, वो रात को थोड़ा लेट हो गया था, 3 बज गए थे। वैसे भी अगले तुम्हें जा रहा हूँ ना, कॉलेज खुल रहा है ना, वैसे आपकी मासी ना ठीक तरह से काम नहीं करती, देखे ना कैसे फूड़पन से काम कर रही है। अली, अली तुम कहीं जा रहे हो? सेमेस्टर की फीस की लास्ट डेट है ना, तो आसिम भाई से मैंने कहा था, तो आसिम भाई ने। आसिम घर पर नहीं है। हाँ तो चेक तो देके गए होंगे ना भाभी को। अली कितनी फीस है तुम्हारी? यही कोई 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर। भाई ने आपको चेक दिया है ना? नहीं, आसिम घर पर नहीं है, तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो उनसे बात करना, जाओ यहाँ से। इसमें बात करने वाली कौन सी बात है अम्मी, आसिम भाई हमेशा मुझे ही चेक देते हैं। अली मैंने कहा ना वो घर पर नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अम्मी। अली तुम जाओ, मैं देखती हूँ कमरे में शायद आसिम पैसे रख के गए होंगे। ठीक है भाभी। किसी को फिक्र नहीं है। अम्मी कोई बात नहीं ना, उसको कुछ नहीं पता, और अच्छा ही है कि उसे कुछ नहीं पता, वैसे भी वो बच्चा है। हाँ सभी बच्चे। खैर तुम जाओ, और देखो अगर आसिम पैसे रख के गया उसके लिए तो जाके दो, कहीं उसके सेमेस्टर जाया ना हो जाए। मैं जाती हूँ। बस कर दो, छोड़ दो इससे तुम। अली एक काम करो, ये गिनो कितने, मैं और भी देती हूँ। भाभी ये क्या कर रही हैं आप, ये कैश? यासिन ने मेरे पास रखवाया था, तुम गिनो। भाभी आप एक काम करें, ये पैसे रखें, मैं भाई को कॉल करके उनके ऑफिस चला जाता हूँ।
उनको कोई काम था, कल रात ही लाहौर चले गए थे। What? लाहौर चले गए? मगर अम्मी ने तो कोई जिक्र नहीं किया, और अगर उन्हें जाना भी था तो मुझे चेक दे के चले जाते। उन्हें मालूम भी था कि कल मेरी लास्ट डेट है। भाभी, इतने सारे हजार हजार के नोट लेके मैं बैंक जाऊंगा, वहां पे जाके पे ऑर्डर बनवाऊंगा। आप एक काम करिए, ये रखे, मैं भाई को खुद कॉल कर लेता हूँ। आसिम, 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 हर कोई हाथ फैलाए खड़ा है यहाँ तो। राशिद जी भाई, इधर आओ जी। वो राशिद, तुम्हें तो इन चीजों के बारे में मालूम होगा, जरा सुनकर तो बताओ किसमें क्या भरा है। इसमें तो चर्स है। चर्स? आपको कहाँ से मिली? वो मुझे गार्डन में पड़ी हुई मिली थी, फेंक दो इन्हें। एक मिनट, इधर ला, जाओ तुम। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। और मेरी जान निकल गई ये सोचकर कि मेरा बेटा इतना घटिया नशा करने लगा है। नहीं, ये सिगरेट फैसल के तो नहीं है, ये तो मुझे गार्डन में पड़े हुए मिले थे। हाँ हाँ, डाल दो पड़ता हमेशा की तरह। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे इस चर्सी बेटे को कोई शरीफ आदमी अपनी बेटी नहीं देगा, समझी? कमाल, बस भी करे ना, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप। हाँ बोलो फयाज, तुम परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। मैं पहुंच रहा हूँ अभी, ठीक है? आ रहा हूँ ऑफिस। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? हाँ वो खैरियत है। नसीर, गाड़ी निकालो। याल्ला, फैसल ने चर्स पीना शुरू कर दी। याल्ला अपना रहम कर। हाय माँ, यहाँ क्या कर रही हो? सुबह से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। तुमने कुछ नहीं खाया, आओ चलो नाश्ता करो। कोई बात नहीं आपी, मुश्किल के वक्त में तो ऐसा ही होता है ना। मुश्किल वक्त? कौन सा मुश्किल वक्त, सिर्फ आसिम है मुश्किल वक्त में, बाकी तो सब अय्याशियाँ ही कर रहे हैं। चलो आओ, हॉट पॉट में पराठे बना के रखें, खा लेना। आपी एक बात पूछूं, वो अली की फीस? बड़े नखरे हैं उसके, ये नहीं कि कैश लेके पे ऑर्डर बनवा ले। अजीब बोलता है, अगर आसिम को जाना ही था तो चेकबुक क्यों नहीं देके गए? पता है मुझे तो लगता है ये सब आसिम को ना नोच के खाना चाहते हैं। आसिम भाई सबके बड़े भी तो है ना, और सबका करते भी वही है। तुम्हें बड़ा एतराज हो रहा है, सब कुछ आसिम के हाथ में, भुगतते भी तो बेचारे वही हैं अकेले। वो मगर अली की फीस, वो आपके अकाउंट में अब्बू के ग्रेजुएटी के पैसे पड़े हैं ना, हम वो भी तो निकाल के पे कर सकते हैं फीस। आयमा खबरदार, जो तुमने उन पैसों पे अपनी नजर भी डाली तो, वो मैंने फिक्स करा कर रखे हैं तुम्हारी शादी के लिए, फीसें भरने के लिए नहीं है वो। हाँ लेकिन अगर मेरे पैसे अली के काम आ जाएंगे तो बुरा क्या है? मैंने तुम्हें अभी कहा कि उन पैसों का जिक्र भी मत करना, और इन लोगों के पास बहुत कुछ है, बहुत प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, बहुत चीजें, हमारे 10-15 लाख से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आइंदा तुम इन पैसों का जिक्र किसी से भी नहीं करोगी, समझ आई? और चलो नाश्ता ठंडा हो रहा है। रायमा भाभी कुछ खाने के लिए तो दे दें, शिराज की बहुत तबीयत खराब हो रही है, खाली पेट तो दवा भी नहीं दे सकती ना। बीना भाभी आपने अभी तक कुछ खाया ही नहीं है, इस घर में किसी को होश ही कहाँ रहता। बीना तुम जाओ, मैं लेकर आती हूँ। देख रही हो, फ्रॉड करने का होश है इनको, खाना खाने का नहीं है।